हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की। हमारे ही धर्म में कई लोग ऐसे हैं जो उनकी जो बाल लीलाएं थी उनका गलत अर्थ निकालते हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें जोड़ देते हैं। तो उन्हीं बाल लीलाओं के कुछ भागों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। हमारे जो देश में भगवान विष्णु के कई अवतार हुए उनमें से भगवान श्री कृष्ण का अवतार बिल्कुल अलग अवतार था, जिसमें वो 16 कलाएं लेकर उन्होंने अवतार लिया था। बचपन में उन्होंने कई लीलाएं दिखाई थी, लेकिन उन लीलाओं के जो उद्देश्य थे वो अलग ही थे बिल्कुल। लेकिन आज के युग में जब उन लीलाओं का जो वर्णन होता है और जो लोग उनका वर्णन करते हैं, तो कुछ लोग उनकी इस चीज़ को, इन लीलाओं को नकारात्मक दृष्टि से भी देखते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये भगवान कृष्ण ने किया तो हम भी करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने चोरी की, उन्होंने कुछ भी किया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चोरी करें। तो उनका जो चोरी, माखन चोरी वाला जो लीलाएं थी उनकी, मटकी फोड़ने वाली लीलाएं थी जो उनकी, तो उनमें एक राजनीतिक उद्देश्य छुपा हुआ था। और वो उद्देश्य क्या था? कंस को कमजोर करना। गोकुल गांव से दही, मठा, मक्खन सब कुछ मथुरा जाता था। एक तरह का ये प्रोडक्शन विलेज था, जहाँ पर दूध मक्खन बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता था। और जब वो मथुरा नगर में गोकुल का दूध बिकता था, तो उससे राजा को, कंस को बहुत सारा टैक्स मिलता था। तो भगवान कृष्ण की एक पॉलिसी ये थी कि अपने शत्रु को सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर करूं। और वो कैसे कर सकते थे कि उनका एक उद्देश्य था कि मेरे गोकुल गांव से कोई भी माखन और कोई भी मठा या दूध नगर में ना जाए। अगर वो नगर में नहीं जाएगा तो राजा कंस को उसका टैक्स नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तो चोरी करना, इसीलिए वो चोरी करते थे, लोगों को माखन खिला देते थे। जब बचेगा ही नहीं तो लोग क्या ले जाएंगे। तो मेन उद्देश्य उनका यही था कि दूसरे अपने शत्रु को कमजोर करना। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान कृष्ण ने चोरी की तो हम भी चोरी करने लगे। दूसरा, उन्होंने जो कपड़े चुराए थे, जो महिलाएं नहा रही थी नदी में, उनके कपड़े चुराए थे। तो कुछ लोग उन्हें दूसरी दृष्टि से भी देखने लगे, वो लोग ऐसे थे, वो लोग ऐसे थे, भगवान कृष्ण ने ये क्रम किए। तो उसका भी एक रीजन था, उसका एक रीजन ये था कि उन्होंने कपड़े चुराए और चुरा के उन्होंने छुपा के रख दिए। फिर उन्होंने उन्हीं गोपियों को ये बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति नग्न अवस्था में नहाता है तो वह उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो आज भी है कि नग्न अवस्था में किसी को भी नहाना नहीं चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये एक संदेश उन्होंने दिया था, देने के लिए कोशिश की थी कि ऐसी अवस्था में ना नहाए, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग लगने ही वाला था। और वो ये जानते थे
कि अगर कलयुग लगेगा तो लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो उन्होंने इससे बचने का संदेश दे दिया कि मैं लोगों को मेरे ऊपर आस्था है और मैं इन सब कामों के लिए मना करूंगा, तो हो सकता है कि कलयुग में जब ऐसा युग आएगा तब ये मेरी किताबों को पढ़ के, मेरी ग्रंथों को पढ़ के ये उससे सीख लेंगे और मुझ में आस्था है तो ये मेरी बात को मानेंगे। ऐसा ही उन्होंने ये कहा कि राधा से अगर प्रेम था तो छोड़ क्यों दिया, तो उसमें भी रीजन है, प्रेम और त्याग। प्रेम वही कर सकता है जो त्याग करने की क्षमता रखता है, और जिसके पास त्याग करने की क्षमता नहीं है तो वो प्रेम करने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। राधा ने और कृष्ण, भगवान कृष्ण ने आपस में प्रेम किया, और प्रेम जब किया तो कर्तव्य के मार्ग पर उन्होंने इसका त्याग भी किया। यही हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, अगर हम प्रेम करें किसी से तो उसको त्याग करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, जबकि इस युग में ऐसा प्रतीत दिखाई नहीं देता। इस युग में जो प्रेम में असफल हो जाता है वो सुसाइड कर लेता है, ज़्यादातर देखा गया है, या प्रेम में असफल हो गया तो वो जीवन में कुछ करता ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये महिलाओं में भी है और ये पुरुषों में भी है, जबकि हमको प्रेम, राधा और कृष्ण के प्रेम से यही शिक्षा मिलती है कि अगर कर्तव्य के मार्ग पर अगर हम मुझे उसका त्याग करना भी पड़े तो हम मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए। और कुछ अपने हिंदुओं के लोग ही मेरे इन अवतारों पर उंगली उठाते हैं तो हम दूसरों के लिए क्या कहें? अगर हम ही अपने धर्म पर उंगली उठाने लगेंगे या अपने धर्म के बारे में नकारात्मक बातें करने, नेगेटिव बातें करने लगेंगे, तो दूसरे लोग क्या हमारे धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? आज हमारा धर्म, अगर लोग ये कहते हैं कि कमज़ोर हो रहा है, तो सिर्फ इसी वजह से कमज़ोर हो रहा है, हम धर्म को मानते नहीं हैं बल्कि उसका राजनीतिक प्रयोग करना सीख गए। बस हम उसका राजनीतिक प्रयोग करते हैं और जिससे हमारे देश को भी नुकसान होता है और हमारे धर्म को भी नुकसान होता है। राजनीति और धर्म होने चाहिए, लेकिन उसका राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय गुरुदेव।